अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और क्वारंटीन का भी बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, राइट? बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3 हफ्ते से मैंने अपना गेट तक नहीं देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे ही मिलके जो लोग क्वारंटीन का लिहाज कर रहे हैं उनका साथ सब दें और अपनी हिफाजत खुद करें, राइट? तो आज हम कुछ डिफरेंट चीज़ें करेंगे। आज हम रेनबो बनाएंगे। उसके लिए मुझे आपसे मैगज़ीन चाहिए, कोई पेपर प्लेट्स हो या वाइट चार्ट पेपर हो या कोई भी चार्ट पेपर हो या वाइट पेपर हो, कॉपीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। और अगर आपके पास ब्लू कोई पेपर हो, मेरे पास ब्लू एक एनवलप पड़ी थी, मैंने उसको काट लिया। हम रेन ड्रॉप्स बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, क्लाउड्स के लिए मुझे आपसे कॉटन चाहिए और कुछ कलरफुल स्ट्रिंग्स चाहिए जिससे हम रेनबो बनाएंगे। सो आई वॉन्ट टू टीच, आई वॉज एक्चुअली टीचिंग माई किड्स के रेनबो कैसे आती है। रोहान ने मुझसे पूछा कि रेनबो कैसे बनती है, तो हम रेनबो, रेन और सन, इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन बनाएंगे ताकि बच्चे आराम से समझ सके कि रेनबो कैसे बनती है, राइट? वो एक चीज़ हो गई। फिर मुझे कुछ ख़वातीन ने कहा कि उनके और छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कोई एक्टिविटी दिखा दें, तो मेरे पास एक बास्केट है जिसमें कपड़े धुल के रखते हैं या आप मैले कपड़े रखते हैं, वो बास्केट और रोप चाहिए आपसे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी अम्मी ने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सारी अम्मियाँ भी इन्वॉल्व्ड हों, नानियाँ दादियाँ भी इन्वॉल्व्ड हों, तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि मेरी अम्मी ने क्या बनाया है। और फिर हम कुछ वर्कशीट्स पे बात करेंगे। वर्कशीट्स बहुत ज़रूरी हैं, बच्चों को नहीं मिल पा रहा है काम स्कूल से, स्कूल्स बंद हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्कशीट्स कर सकते हैं। और फिर एक मुझे किसी बच्ची ने कहा कि स्क्रैप बुक बनानी है, सो आई गॉट एन आइडिया कि हम क्वारंटीन की स्क्रैप बुक कैसे बनाएंगे। मुझे मेरी बहन ने एक लिंक फॉरवर्ड किया जो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो लिंक की जितनी भी प्रिंटआउट्स हैं वो मैंने कराए हैं, और उस लिंक का मतलब मैं वो लिंक भी आपको लगाऊंगी पोस्ट में, ताकि आप खुद वो लिंक पे जाके देख सकें कि स्क्रैप बुक की किस तरह हम पेजेस बना सकते हैं, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप मैगज़ीन निकाल लें, पेपर्स निकाल लें, सिज़र्स, कॉटन निकाल लें, ब्लू येलो कलर निकाल लें, ठीक है? एंड आई विल सी यू एट 5 o'clock, टेक केयर, सी यू सून। ओके, हाय गाइस, सो आपके पास अगर कोई चार्ट पेपर है, चार्ट पेपर नहीं तो कोई ये क्या कहते हैं, प्लेट्स हैं, पेपर प्लेट्स हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेपर प्लेट को बीच में से काट के आपने बच्चों को देना है कि वो पेंट करें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आरेज, व्हाट आर यू पेंटिंग? द द सन, राइट? एंड यू हैव टू कवर ऑल द वाइट एरिया, ठीक है? अगर आपके पास पेंट नहीं है तो आप कलर पेंसिल्स यूज कर सकते हैं, क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं, मार्कर्स यूज कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो हम आज सीखना चाह रहे थे कि रेनबो कैसे बनती है। रेनबो कैसे बनती है रोहान? विद वाटर एंड क्लाउड, विद वाटर एंड क्लाउड्स। सो जो हॉट वाटर होती है जब वो ऊपर जाती है, मामा यू डोंट टॉक ऑन हियर, आई हैव टू टॉक, ओके टॉक देन, टेल, but they won't understand your kya kya language, Rohan. You have to say it properly. Chale, aa rahe hain. Rainbow starts when the sun and water love. Bas pani love. And when the water becomes a dead lake, a dead pond with all of the sea creatures in it, then it finds all of the sea creatures and then it becomes a rainbow. Doesn't hot air, when hot air goes up? No, you are on the open here, I have to talk. So tell them properly, na Janu. No, but I am telling them properly. bear. Very good, Arez. Arez, aap sun ko paint kare. What color is the sun? Yellow. And the clouds are blue. Very good. Hum sun aur clouds bana rahe hain. I'm done, mom.
Very good. Now can you do the other side also? No, I won't do the other side. Why, Rohan? Is this our laser paint? No, this is your paint. ओके okay, जब हमने ये कर लिया तब तक मैं आपको दिखाऊंगी, आइए मेरे साथ, तब तक मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उसके बाद क्या करेंगे. मैंने ये ब्लू, एक मेरे पास पेपर था, उसके ड्रॉपलेट्स काटे हैं. हम मैं आपको इसलिए तीन तरीकों से दिखा रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो कि आपके पास क्या मटेरियल अवेलेबल है. तो जो भी, अगर आपके पास ऊन अवेलेबल है, अगर आपके पास फिश वायर अवेलेबल है, या फिर आपके पास उन दोनों में से कुछ भी नहीं है और वाइट पेपर अवेलेबल है, तो इस तरह आपने रेन ड्रॉप्स काटने हैं और फिर हम इनको उन चीज़ों पे चिपकाएंगे. ठीक है जी, आपको कॉटन निकालनी है. कॉटन को हम अलग अलग कर देंगे ताकि हम क्लाउड्स बना सकें. ये हमारे क्लाउड्स बन जाएंगे. अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मैगजीन में से ब्लू कलर ड्रॉपलेट्स के लिए और भी कई ब्लू कलर आपको नज़र आएंगे. ब्लू कलर उसमें से आप ड्रॉपलेट्स निकाल लें. सो इट्स नॉट नेसेसरी सो मच ब्लू कलर. तो आई एम श्योर के आप लोगों के पास मैगजीन्स होंगी जिसमें ब्लू का इस्तेमाल हुआ हुआ है. आप उस पेपर को भी बना सकते हैं, निकाल सकते हैं. अगर मैगजीन्स नहीं हैं तो आप पेपर को पेंट करें और फिर उसमें से ड्रॉपलेट्स निकाल लें. इट्स फेयरली सिंपल. ठीक है, आर यू गाइज डन? प्लीज डोंट पेंट योर हैंड आरिज, यू ऑलवेज पेंट योर हैंड. अच्छा, ये हम ग्रीन, क्योंकि सन, देयर इज नो ग्रीन इन द सन आरिज, राइट? So we're gonna take out the green and we will wait. हम आपके पास वापस आते हैं जब तक ये चीजें ड्राई हो जाती हैं. ठीक है, तो क्लाउड्स हमने ब्लू से किए, सन को हमने पूरा येलो कर दिया. ओके सो रोहान, दिस इज द सन. आरिज पुट हिज हैंड अगेन ऑन इट, सो आई हैड टू कवर इट विद येलो. एंड हमने इस पे थोड़े से क्लाउड्स लगा लिए रुई से लेके. ये पेंट हमारा ड्राई हो गया. ओके रोहान, so when the cloudy sky is there, what do you see? The raindrops. Yes, so should we stick it? Raindrops can also come from the side, from this side, but we have to do the opposite side so the string doesn't show. Janu, otherwise this, no, this is not glue, this is glitter. This. Okay, ye hata de, turn it around. Chale, I'll do this and you stick all the lines. Rohan, not so much glue, please. We can't waste, okay? We have to save the material. I like glue. Yes, I know you like glue. Don't take it there, Janu. On the matching? No, take it here. Okay, that's amazing. Let's put this away. Now, can you stick this? No, just the top bit of the string. No, Janu, the top bit of the string. Yes. No, how will they see the rain then, Rohan? Please. Okay, and then we stick this, right? Ye ho gaya. This. Aap laga do. Like this. Rohan, raindrops ko nahi. Acha, ab ye laga de. Better would be that you make these already, huh? Or you can make it with the kids, same thing. Same. And what about this? Where should this go? Oh no. Maybe we should make a hole in this. No, let's stick it here. No, it can be stick. It can be sticked. No, there's glue. There's lots of glue already here, Rohan. Do you want glitter on my hands? Yes, you can wash it later. So first let's put this. Glue. Rohan. I am going to get glue. No, don't get the glue. Please, Rohan. Acha, idhar aa jaye, Rohan. Come. Theek hai ji, ye hamare raindrops ho gaye. Bahut cute se. Rohan, it looks really cute. Good job. Come. Look at you now. Yes, stick this. It's raining.
Come on, Rohan, bring it here. I don't want to stick it. Please. No. You want to keep it? Yes. Okay, then you keep it. And to take it to school also. Inshallah. Theek hai ji. Rain, rain, go away. Come on, dada, not today. Okay. ये हो गया हमारी ये रेन ड्रॉप्स बन गए. प्लीज डोंट मेक नॉइज रोहान. ठीक है जी, ये देखें हमारे बहुत क्यूट से रेन ड्रॉप्स बन गए. व्हाट आर वी मेकिंग अ पपेट शो? वी कैन मेक अ पपेट शो. जो बॉक्सेस मैं आपसे कह रही थी कि आप लोग बॉक्सेस को संभाल के रखें, आई होप आप लोग बॉक्सेस संभाल के रख रहे हैं बिकॉज हम उससे रोबोट्स बनाएंगे. रोहान, वुड यू लाइक टू मेक अ रोबोट? यस यस. ओके, कम सिट हियर. Let's make a puppet show robot. Okay, come here. अब हमने ये strings मेरे पास कुछ बची हुई थी, वो हम लगाएंगे इसको rainbow का effect देने के लिए. ठीक है, हमने glue end पे लगाई. You can cut a paper, you can cut anything that you like. आप color कर सकते हैं strings को, different different strings को color कर दें. I'll punch you on a face. That's not a nice thing to say, Rohan. That's very rude. It's always not. ठीक है, ये देख रहे हैं आप करीब लाइव प्लीज. ये हमने ऐसे किया. Wait, wow. Rohan. Wait, Rohan. Don't do that. What is this? Is this a sprinkle spark? Yes, it's a sprinkle spark. Let's put the last one. I will send you out, Rohan, if you don't believe. Your head is hitting. Yes, because you're hurting me. Don't hurt me. It doesn't make Mama happy. Mama gets really sad when you do stuff like that. I like to hurt you. No, you don't. I like Baba, not Mama. Okay, that's fine. Mama सारे homework कराती हैं. Mama सारी सख्त वाली चीजें कराती हैं. ठीक है जी, ये हमारी rainbow बन गई. ये हमारा sun बन गया. और ये हमारी rain ड्रॉप्स बन गए. रोहान, दीज आर रियली क्यूट रेन ड्रॉप्स. ओके, दैट्स इट. मामा, लेट्स मेक अ पपेट. ओके गाइस, सो ये एक्टिविटी बिल्कुल इन्फेंट्स के लिए है. जो छोटे बच्चे होते हैं, आपके पास कपड़े धोने के लिए बास्केट होती है, चाहे वो मेले कपड़े आप डालते हो या धुलवा के जो लाते हैं, तो ये बास्केट नॉर्मल है, हर घर में मौजूद होती है. उसके अंदर कुछ आपने स्टफ टॉयज डालने हैं. ठीक है, और ये स्टफ टॉयज आपने डाल के कोई भी रस्सी लेके, कोई स्ट्रिंग हो, रस्सी हो, कुछ भी स्ट्रिंग हो आपके पास, वो आपने लेके इसमें, एक्चुअली आई शुड टेक इट आउट फ्रॉम हियर. ये आपने लिया, फिर आपने इसको अक्रॉस डाला. आपने लिया इसको अक्रॉस किया इधर. आपने बेसिकली एक मेज बना देना है बच्चों के लिए, राइट, सो दैट वो जब भी इसके अंदर से ढूंढ के निकालें, उनके लिए एक चैलेंज हो कि उन्होंने इसमें से टॉयज निकालने हैं. ये स्पेशल बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है. छोटे बच्चे जो स्पेशल हैं, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है. आई सॉ दिस ऑन द इंटरनेट, मुझे बहुत अच्छी लगी है एक्टिविटी, सो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू. इसको आपने यूं कर लिया और इसको आपने यहाँ कर लिया. सो बेसिकली यू आर जस्ट गोइंग टू मेक zigzag बना लें, या जो भी आपको शेप बनाना है आप वो बना लें. आई एम जस्ट शोइंग यू, इससे बेहतर आप बना सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड मेक इट प्रॉपरली. और अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं इसको, वो बनाएं. मेरा मकसद है आपको आइडिया देने का. ठीक है जी, इट नीड्स टू बी अ लिटिल मोर टाइटर देन दिस. द होल आइडिया इज कि हम घर पे रह के बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ आती हैं आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं.
अ लॉट ऑफ मदर्स आर स्टिल नॉट टैगिंग मी विद देयर सिटी नेम, तो प्लीज़ अपना सिटी का नाम ज़रूर मुझे बताएं और बच्चों की शक्लों पे मेरा नाम टैग ना करें, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ मी आस्किंग फॉर दोज पिक्चर्स विद द किड्स इज कि मुझे उनकी प्यारी प्यारी शक्लें नज़र आएँ, ठीक है ना। गिलगित से मुझे बहुत क्यूट बच्चों की पिक्चर्स भेजी हैं उनकी मम्मी ने, थैंक यू फॉर दैट। मस्कत से मुझे काफ़ी आते रहते हैं टैग्स, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, इट्स ऑल सो वंडरफुल। ठीक है जी, ये आपने कर लिया, मैं इसको और थोड़ा टाइट कर दूंगी ताकि ये और थोड़ा अच्छा हो जाए। ठीक है, हमने इसको टाइट किया, फिर इसको टाइट किया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक टाइंग अ शू लेस। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें से आपने बच्चों को कहना है कि अंदर वाले टॉयज निकालें। छोटे बच्चे होंगे उनके लिए मुश्किल होता है, दैट्स द होल आइडिया कि वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह निकालते हैं, सही करते हैं। ये उन्होंने निकाला, यूं करके निकाला, उसको निकालने में उनकी एबिलिटी की काफ़ी वर्कशॉप हो जाएगी। ठीक है, ये निकाला, ये आपने जो भी वापस डाल दिया, जो जस्ट आस्क देम टू टेक इट आउट। दिस इज मीसाज डॉगी, मीसा आमना शेख इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, उनका भी पेज आप ज़रूर देखें। शी इज़ टेलिंग उर्दू स्टोरीज फॉर किड्स, ये निकाल लिया। ठीक है ना, सो दिस इज़ अ रियली नाइस गेम फॉर किड्स, ये आप उनके लिए बना सकते हैं घर बैठे हुए। अब मैं कुछ वर्कशीट्स आपको बताऊँगी। रोहान परेशान हो गए वर्कशीट्स देख के, बिकॉज ही सेड के आई जस्ट डिड माई होमवर्क मामा। ठीक है ना, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मैं वर्कशीट्स लेकर आती हूँ। ओके गाइस, सो एज यू कैन सी, मेरी अम्मी ने बहुत ये क्यूट अंडों की बर्ड्स बनाई है। आटे से उन्होंने ये बनाया, ये देखें, आटे से उनका उसका स्टैंड बनाया, इसको पेंट किया, अंडे को पूरा सिर्फ ऊपर से खोला, अंडा निकाला, उसको खाया और फिर थोड़ी सी कॉटन डाल के उसके ऊपर कलर कर दी और ये टूथपिक लगा दी, तो ये उसकी बीक बन गई और दो आंखें लगा दी। लुक एट दैट, दे लुक सो सो क्यूट। और ये उन्होंने एक दिन में किया है, शायद एक या दो दिन में उनका ये पूरा हो गया। ये आरेज ने तोड़ दिया, आई शो यू दिस वन, ये भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, बट लुक एट दिस, सो सो क्यूट। सो गेट योर मदर्स टू स्टे बिजी, अगर वो कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करती हैं तो वो हमें बता दें, वो हमारे साथ शेयर कर दें। आज हम थोड़ी देर में जाके ऊपर अपनी ये रेन और क्लाउड्स और ये सारी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है, अंडों का आर्ट है, दरख्त बना सकते हैं हम, वर्कशीट्स पे बात हुई है, स्क्रैप बुक पे बात हुई है और हमने रेन, सन और रेनबो ये बनाया है। ठीक है, कल के लिए हम और इंटरेस्टिंग कोई चीज़ें बनाते हैं। कल आई थिंक हम स्क्रैप बुक भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आती हूँ और आपको बताती हूँ कि कल की क्लास में क्या होगा। गाइस, सो अब मैं आपको बताऊँगी कुछ वर्कशीट्स बनाना, ठीक है ना। आप इस तरह की भी वर्कशीट्स बना सकते हैं, यू कैन जस्ट ड्रॉ समथिंग हेयर एंड गिव द नंबर सो द किड्स कैन डू इट। आप 1 से लेके 20 या 50 जितना भी आपके बच्चे ने याद किया हुआ है, इस तरह आप आगे तक लिख, यू नो, खाने बना सकते हैं। और ये बच्चों से कह सकते हैं कि वो कट करके पेस्ट करें। रोहान को ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आती है बिकॉज इट हैज़ अ बिट ऑफ कटिंग एंड पेस्टिंग, तो आर्ट से रिलेटेड प्ले करते हुए आप वो दिखा सकते हैं उनको, ठीक है। अब दांत साफ करना और ब्रश करना, ओरल हाइजीन कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, वो बच्चों को सिखाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी निकाली है एंड दैट्स द एक्टिविटी दैट आई विल डू। ये आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, टूथपेस्ट भी है, जो गुड ओरल हाइजीन की भी चीज़ें हैं इसमें और बैड ओरल की भी चीज़ें हैं इसमें। लाइक गुड में ब्रोकली आता है, फ्रूट्स आते हैं, टूथपेस्ट आता है, फ्लॉस आता है, और जो बुरे हैं वो कैंडीज़ हैं, आइसक्रीम्स हैं, बहुत सारी टॉफ़ीज़ हैं। तो उस तरह करके आप बच्चों के साथ एक बहुत क्यूट सी एक्टिविटी कर सकते हैं। ये मैंने मुंह का एक प्रिंट आउट निकाला है
और इसको मैं 3D मुंह बनाऊंगी। ये हम आपके साथ भी करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट के आप लोगों के बच्चे भी हैप्पी टूथ और सैड टूथ, ये दोनों चीज़ें क्यों होती हैं ये हम उनको बनाना सिखाएंगे और इनको बना के दिखाएंगे। स्टोरी टेलिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है, बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। फिर हम जब ऊपर जाएंगे तो एक स्कैवेंजर हंट हम करेंगे, जैसे कि होता है एक ट्रेजर हंट की तरीके से, ठीक है। तो हम टिक मार्क करते जाएंगे जो चीज़ें हमने ढूंढी हैं, जो चीज़ें हमें मिली हैं, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने देखे बहुत सारी इसलिए कराई हैं कि मैं रोज़ रोहान को कुछ ना कुछ कराती रहूँ। प्रिंट आउट आप नहीं करवा सकते तो आप इसको खुद बना सकते हैं घर पे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा जी, ये मुझे एक लिंक मेरी बहन ने भेजा और ये बहुत क्यूट स्क्रैप बुक का आइडिया है, ठीक है, माई लॉकडाउन डायरी, ठीक है। इस किस्म की हम लॉकडाउन डायरी स्क्रैप बुक के तौर से बनाएंगे, उसमें नेम है, एज है, सिटी है, डेट है, ड्रॉ इन योर बबल, तो इसमें आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ये करती हूँ बिकॉज दिस इज़ अ फोटो कॉपी, आप यूँ ऊपर आके दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी लगेगी, ठीक है जी। फिर हु आर यू होम विथ, तो इसमें नाम 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 नाम, कितने लोगों के साथ आप हैं घर पे, वो लोग क्या करते हैं, इफ़ यू नीड मोर प्रिंट देयर इज़ अनदर पेज, ओके। राइट वॉट यू अप्रीशिएट अबाउट दीज पीपल, सो आपने नाम लिखना है, जैसे बाबा का नाम और उनकी क्या चीज़ें जो आपको पसंद आती हैं, मामा का नाम उनकी क्या चीज़ें जो पसंद आती हैं, दादी नानी जो जिनके साथ आप रह रहे हैं आप वो सब लिख सकते हैं। द थर्ड पेज इज़ वाई अ लॉकडाउन डायरी, कि हम ये डायरी क्यों बना रहे हैं। Even though the world just became pretty different, there is still a lot to appreciate. The small things you might not have noticed before. ठीक है, tell the future of your story. तो basically कि आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जो note करें हैं lockdown के ज़माने में, इस time पे interesting चीज़ें आप बना सकते हैं। Draw the view from your bedroom window. I think this is a really cute idea. आपने एक curtain बनाया, you know, एक sun बना दिया और बच्चों से कहें कि view बनाएं। तो ये हम एक एक दिन करके बनाएंगे और अपनी पूरी डायरी मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना। Five awesome things about today. तो बच्चों को idea होगा कि रोज़ किस बात को अप्रिशिएट करना है, अपनी कौन सी ब्लेसिंग्स जो अल्लाह ने दी हैं वो काउंट करनी है। तो उन सारी चीज़ों से रियलाइज़ होता है कि हम बहुत अच्छी जगह पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं, हमारी हेल्थ सही है, ये सारी चीज़ें। मूवी डे, आपने कौन सी मूवी देखी, मूवी का रिव्यू क्या था। अगर बच्चे लिख नहीं सकते तो आप उनसे पूछ सकते हैं और उनकी ये डायरी मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है। Write a note to you in the future. I thought this was really cute. कि आप अपने आप को dear future me, आप अपने आप को lockdown के बाद जो आप letter लिखना चाहेंगे, ठीक है। Self portrait आप अपनी बना सकते हैं, जैसे हमने भी बनाई थी self portrait। Isolation, what do you appreciate about your family? So family की आपने pictures लगा दी या उनको बना दिया और ये सारी चीज़ें लिखें, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको फॉरवर्ड करूँगी इस पूरे उसके सेशन के एंड में मैं आपको इसका लिंक फॉरवर्ड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अगर वो प्रिंट आउट नहीं करा सकते, आई एम शेयरिंग दिस विथ यू बिकॉज इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड आई थिंक दिस शुड गो एवरीवेयर। इसको आप और फॉरवर्ड करें और जिन्होंने ये बनाई है आइडिया उनको भी हम अप्रिशिएट करेंगे और उनको टैग करेंगे, ठीक है ना। और आप क्यों बोर नहीं हुए आज, क्योंकि मॉर्निंग में आपने ये किया, दोपहर में आपने ये किया और शाम को ये किया। सो देर आर लॉट ऑफ पेजेस दैट नीड टू बी कवर्ड बट एवरी डे आफ्टर आर एक्टिविटी वी विल वर्क ऑन वन पेज, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई लॉकडाउन डायरी, हमारी वर्कशीट्स। अब मैं दिखाऊंगी कि नानियाँ और दादियाँ क्या कर रही हैं। सो माई मदर was an art teacher for the longest time and that's why I think I'm so influenced by her.
तो मैंने उनको कहा कि आप क्या बना सकती हैं अपने घर में इस टाइम पे. तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे कुछ पेंट्स भेज दो, मुझे ये भेज दो. तो मैंने उनको एक मटेरियल भेजा और ब्राउन पेपर बैग्स में ग्रोसरी का सामान आता है. ये देखें उन्होंने कितने मज़े का ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया है. कैन यू बिलीव इट? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट. और ये अभी मैंने फाहद को भी दिखाया. ही इज़ थॉरली इम्प्रेस्ड and he says that I have gotten it from her, which is absolutely right. तो ये देखिए उन्होंने tree ये paper को which is this paper इसको उन्होंने squish किया, ऊपर से इसकी जड़ें काटी, नीचे से ऊपर से इसकी branches काटी और नीचे से इनकी जड़ें बना दी. तो यूं करके ये एक tree हो जाएगा. आप इसको चारों तरफ स्टेपल कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने किया है, या आप टेप लगा सकते हैं, किसी भी तरह इसको कर सकते हैं. ब्राउन पेपर हर किसी के घर में होता है. जो पेपर्स आते हैं पेपर वर्क्स वाले पेपर, आप ये पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप अखबार से भी बना सकते हैं. राइट, सो अखबार से भी आप ये बना सकते हैं. दिस इज़ अ वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट. आई थिंक आई एम गोना कीप दिस फॉर सम टाइम एंड देन ऑब्वियसली मेरा सारा आर्ट का सामान इंडस हॉस्पिटल के बच्चों को जा रहा है. इन्होंने यहाँ वायर लगाया है. वायर से क्या होता है कि आप बच्चों से कह सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स दे लाइक डेलिकेट थिंग्स. तो आप लड़कियों से कह सकते हैं कि इस वायर को सही करें, उसके पत्तों को ठीक करें, उसके पेटल्स को ठीक करें, जो भी जिस तरह बनाना चाहते हैं. मॉम वॉज रियली कॉन्शियस कि अच्छा नहीं बना, बट आई फील अच्छा बना है. आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा. अच्छा जी, फिर हमने अंडे, मैंने अम्मी से कहा था, आप लोगों से भी कहा था कि अंडे सारी माओं से रिक्वेस्ट है कि ऊपर सिर्फ काट के और उसका अंडा निकाल के उसकी शेल्स को प्रिजर्व करें. हम्प्टी डम्प्टी वॉज एन एग एंड सो दिस इज हम्प्टी डम्प्टी. और उन्होंने क्या किया कि इसकी सारी शेल्स को मिक्स करके वाइट ग्लू के साथ उन्होंने यहाँ पेस्ट कर दिया. और हम आज हम्प्टी डम्प्टी की स्टोरी सुनेंगे क्योंकि वी हैव अ बुक जिसमें हम्प्टी डम्प्टी की पूरी कहानी है कि हम्प्टी डम्प्टी कौन था और वो कहाँ से आया और वो क्यों दीवार पे बैठा और वो क्यों गिर गया. ठीक है ना? सो इस तरह का आप आर्ट अपने बच्चों के साथ बनाएं, माओ को दें कि वो बनाएं. यू नो द होल आइडिया इज़ कि सब लोग पॉजिटिविटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ अपना ये टाइम गुजारें. ठीक है ना जी? एक और अंडे की उन्होंने चीज़ बना के मुझे दी थी, है ना, दी थी. वो फ्रिज के ऊपर रखी है. मैं वो भी मैं एक सेकेंड ला के आपको दिखाती हूँ. आप लोग जब तक इसको हजम करें, मैं दो सेकेंड में वापस आती हूँ.